बद्रीनाथ धाम हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि यह दूसरा बैकुंठ धाम है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यही वह जगह है जहां भगवान विष्णु सतयुग में देवताओं और मनुष्यों को साक्षात दर्शन देते थे। इस जगह की हर युग में कुछ ना कुछ कहानी जरूर है। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि बद्रीनाथ में द्वापर युग से भगवान विष्णु के विग्रह दर्शन भक्तों को होने लगे। एक कथा में बद्रीनाथ को लेकर यह कथा भी प्रचलित है कि यही वह स्थान है जहां श्री हरि ने नर नारायण रूप में तपस्या की थी। कैसे पड़ा इस तीर्थ स्थल का नाम बद्रीनाथ? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। यहां देवी लक्ष्मी का स्वरूप है बद्री। कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे से नाराज हो गए। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के घर चली गईं और भगवान विष्णु भी आहत होकर नर नारायण पर्वत के बीच तपस्या करने चले गए। फिर कई सालों बाद देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वे भगवान विष्णु को ढूंढने लगीं। इन्होंने देखा कि नारायण बर्फ से ढके पर्वतों के बीच बैठे तप कर रहे हैं और उन पर बर्फ गिर रही है। देवी लक्ष्मी यह सब देखकर बहुत दुखी हुईं और वे बद्री यानी बेर का पेड़ बन गईं ताकि तप में लीन भगवान विष्णु पर बर्फ ना गिरे। वहीं जब भगवान विष्णु का तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को बेर के वृक्ष के रूप में देखा। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस स्थान को बद्रीनाथ धाम से जाना जाएगा। तब से अब तक उस स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ बद्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और इस स्थल पर लक्ष्मी यानी बद्री के नाथ विश्राम करते हैं, इसीलिए इसे बद्रीनाथ नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक और कथा मिलती है कि धर्म के दो पुत्र थे, नर और नारायण। ये दोनों ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना आश्रम स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए पवित्र स्थान की तलाश में थे। उन्हें इस स्थान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। बद्रीनाथ दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी जबकि दूसरे पर नर ने। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वहीं नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मंदिर नीलकंठ पर्वत की पृष्ठभूमि में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना गया है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया है। त्रेता युग में इस क्षेत्र को योग सिद्ध कहा गया। द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। वहीं कलयुग में इसे बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ कहा जाता है। कहते हैं कि कलयुग के अंत में नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। इससे बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा, लोग भगवान बद्री के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस घटना से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जोशी मठ में जहां शीतकाल में बद्रीनाथ की चल मूर्ति रहती है, वहां भगवान नरसिंह का एक मंदिर है। वहां शालिग्राम शिला में भगवान नरसिंह का एक अद्भुत विग्रह है। इस विग्रह की बाईं भुजा पतली है और समय के साथ यह और भी पतली होती जा रही है। जिस दिन इनकी कलाई टूट जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार संपूर्ण केदारखंड पर शिव का आधिपत्य था। एक बार जब नारायण विष्णु बद्री धाम आए तो उन्हें बद्रीनाथ धाम बहुत भाया और उनका मन हुआ कि वे यहीं रह जाएं। लेकिन बद्री क्षेत्र में कोई स्थान खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वह बामणी गांव में एक पत्थर शिला में जाकर लीला ढूंगी। बाल रूप धारण कर भगवान शिव और माता पार्वती के द्वार के सामने रोने लगे। उस समय माता पार्वती और भगवान शिव स्नान के लिए बद्रीनाथ मंदिर स्थित तप्त कुंड में स्नान के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। पार्वती ने उस रोते हुए नन्हे से बालक को देख उन्हें अपनी ममता की छांव दी। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें मना भी किया लेकिन माता नहीं मानी और बालक को अंदर ले जाकर वहां पर सुलाकर शिवजी के साथ स्नान के लिए चली गई। उनके जाने के बाद नारायण ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जब स्नान कर माता और भगवान शिव लौटे तो अंदर से दरवाजा नहीं खुला, तो वे अन्यत्र केदारनाथ धाम चले गए और अपने अंश रूप में वे यहाँ पर बने रहे। इस क्षेत्र के बारे में केदारखंड में भी वर्णित है, हालांकि यह एकमात्र दंतकथा है जो सदियों से चली आ रही है। भगवान शिव
माता उमा के साथ केदारखंड में विराजित थे और जब भगवान नारायण से बद्री क्षेत्र में आए तो ऋषिगंगा के पास बामणी गांव में एक सुंदर सा पत्थर है जिसे लीला ढूंगी कहते हैं। गढ़वाल में पत्थर को ढूंगा कहते हैं, जहां पर भगवान विष्णु ने बच्चे का रूप धारण कर उस स्थान पर लीला की, जिसके बाद से उस स्थान का नाम लीला ढूंगी कहा जाने लगा। और आज भी जब श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम आते हैं तो बामणी गांव स्थित लीला ढूंगी के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। भूवैकुंठ में विराजमान भगवान बद्रीनाथ की महिमा अपरंपार है। हर हिंदू जीवन में एक बार यहाँ की तीर्थ यात्रा को अपना परम सौभाग्य मानता है, बल्कि यहाँ अलौकिक सौंदर्य और चमत्कारिक प्रभाव से मुस्लिम समुदाय भी अछूता नहीं रहा। एक मुस्लिम भक्त बद्री विशाल के प्रेम में ऐसा पड़ा कि उन्होंने उनके महात्म का वर्णन करते हुए एक आरती ही लिख दी और उस मुस्लिम भक्त की लिखी आरती कालजयी हो गई, जिसे अब प्रभु को मनाने रिझाने के लिए हर हिंदू गुनगुनाता है और जिसका मुखड़ा है पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम। फकीरुद्दीन एक गरीब परिवार से थे, लेकिन भगवान बद्रीनाथ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। वे अक्सर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते थे और वहां भगवान के दर्शन करते थे। एक बार जब फकीरुद्दीन बद्रीनाथ धाम में थे तो उन्होंने एक सपना देखा। सपने में भगवान बद्रीनाथ ने उन्हें उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक आरती लिखने का आदेश दिया। फकीरुद्दीन जब इस स्वप्न से जागे तो उन्होंने तुरंत आरती लिखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने आरती की रचना की थी उस समय उनकी आयु महज 18 साल की थी। फकरुद्दीन तब डाक विभाग में कार्यरत थे और नंदप्रयाग में पोस्टमास्टर के तौर पर सेवारत थे। आरती में फकीरुद्दीन ने भगवान बद्रीनाथ के रूप गुणों और महिमा का वर्णन किया है। इस आरती में बद्रीनाथ धाम के धार्मिक महत्व के अलावा यहाँ की सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। आरती की भाषा सरल और सुंदर है और यह भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह आरती आज भी बद्रीनाथ मंदिर में नित्य सुबह शाम गाई जाती है। फकीरुद्दीन उर्फ बद्रुद्दीन 19वीं शताब्दी के एक मुस्लिम संत और कवि थे। वे नंदप्रयाग गढ़वाल अब उत्तराखंड में रहते थे। उन्हें भगवान बद्रीनाथ के अनन्य भक्तों में शुमार किया जाता है। आरती लिखने के बाद उन पर श्री बद्री महाराज का ऐसा जादू हुआ कि उन्होंने अपना नाम फकरुद्दीन से बदलकर बद्रुद्दीन रख लिया। वे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सक्रिय सदस्य भी रहे। उनका 104 वर्ष की उम्र में वर्ष 1951 में उनका निधन हुआ। भक्ति धर्म जाति की सीमाओं से परे, यह आरती एक मुस्लिम भक्त की भक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भक्ति किसी भी धर्म जाति या पंथ की सीमाओं से परे होती है। यह आरती न केवल भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि यह भारत की धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक है। बद्रुद्दीन के पोते अय्याजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि उन्हें इस बात का गर्व है कि हिंदुओं के प्रमुख देवता की आरती उनके दादाजी ने लिखी थी। अय्याजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर की दीवारों पर पहले पूरी की पूरी आरती लिखी गई थी। जिस व्यक्ति को यह आरती कंठस्थ नहीं होती वह मंदिर की दीवारों पर देख कर आरती गाता था। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह का कहना है, बद्रीनाथ महात्म्य नामक पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि बद्रीनाथ की आरती नंदप्रयाग निवासी मुस्लिम व्यक्ति बद्रुद्दीन ने लिखी थी। जो जाए बद्री वह ना आए उदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए। बद्रीनाथ धाम को शास्त्रों में दूसरा बैकुंठ धाम कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है और विष्णु जी का दूसरा निवास बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। कहते हैं सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री बद्री विशाल।